श्लोक संख्या 13। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। आपको भगवान ने बताया सतोगुण के वृद्धि के लक्षण, रजोगुण की वृद्धि के लक्षण, और अब भगवान श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि अगर तमोगुण किसी में बढ़ जाए तो उसके लक्षण क्या हैं। भगवान कह रहे हैं कि तब अंधेरा हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? यानी तब ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता, अज्ञान ही अज्ञान आपके चारों तरफ रहता है। आप अज्ञान में स्थित होकर काम करते हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, जड़ता आ जाती है। जड़ता यानी एक्टिव जो जिंदगी है, जो सक्रिय जिंदगी है, वो समाप्त हो जाती है, सक्रिय जीवन समाप्त हो जाता है, निष्क्रियता उसका स्थान ले लेती है और प्रमत्त हो जाता है व्यक्ति। बिना सोचे समझे फैसले करने लगता है, मनमाने काम करने लगता है, किसी नियम को नहीं मानता, अपनी सनक के अनुसार चलता रहता है, और ऐसी ही स्थिति में उसे मोह का सामना करना पड़ता है, उसमें मोह प्रकट होता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर चेतना है, वो जीवित है, लेकिन तब भी वो निष्क्रिय बना रहता है, आलसी बना रहता है, प्रमाद युक्त बना रहता है, और इसी को कहते हैं कि किसी व्यक्ति में अब तमोगुण का प्राबल्य हो चुका है।